एसडी कॉलेज ऑफ लॉ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक संदेश एक विचार गोष्ठी रैली का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर की भोपाल रोड स्थित एसडी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक संदेश एक विचार गोष्ठी रैली और नुक्कड़ नाटिका का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि बेटी के शिक्षित होने से संपूर्ण समाज में शिक्षा की अलख को शिक्षित किया जा सकता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विचार गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज डायरेक्टर मंजू मल्होत्रा और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रेणु गर्ग ने संयुक्त रूप से किया। प्राचार्य डॉक्टर रेणु गर्ग ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से एक नारी समाज को सार्थक संदेश दे सकती है। उन्होंने सरोजनी नायडू का उदाहरण देते हुए कहा कि सरोजनी नायडू ने अपनी कविताओं के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सारा चरित्र आम जनता को देकर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत कर दिया। डॉक्टर मुकुल गुप्त ने कहा कि संविधान द्वारा शिक्षा को मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। इस दौरान नुक्कड़ नाटिका में एक सास बहू के प्रकरण को बखूबी दिखाया गया कि एक परिवार को बेटे की चाहत ने बहू को प्रताड़ित किया। ऐसे में ये संदेश है कि शिक्षा के अभाव के कारण ही एक नारी दूसरी नारी पर अत्याचार करती है, अतः सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है। आज हमारे कॉलेज में तृतीय एक दिवसीय कैंप लगा था, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में था। इसमें हमने नुक्कड़ नाटक करा, रैली निकाली है पूरा अपने कॉलेज कैंपस में और आउटसाइड सब जगह बाहर। इससे एक संदेश दिया है बच्चों को, लोगों को, पूरी पब्लिक को, कि बेटी की क्या इम्पोर्टेंस है।